Hey, what's up, guys? Life is an endless vacation के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे मंदिर जो आप साल के 3 ही महीने विजिट कर सकते हो। हाँ, हम आपको लेकर आए हैं वागेश्वर मंदिर जो यूजुअली पवना डैम के बैक वाटर्स में डूबा हुआ होता है। इस बार मार्च में ही ये पानी कम हो गया है तो हम आ गए हैं ये मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस मंदिर को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए बने रहे आखिर तक इस वीडियो में। पुणे में अच्छी खासी गर्मी हो गई है और इसी कारण पवना डैम का वागेश्वर मंदिर मार्च में ही पानी से बाहर आ गया है। आज अमावस्या है और रविवार भी, इसलिए हमने सोचा वहीं पे चल के आज की पूजा करते हैं। तो सुबह सुबह ही हम चल पड़े हैं वागेश्वर मंदिर की ओर। ये मंदिर शुरिम गांव के पास पवना डैम के पानी में है जो पुणे से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आप कामशेद से वाया काले कॉलोनी आ सकते हो या फिर हिंजौड़ी से वाया घोटावड़े और हर्षी होकर आ सकते हो। कामशेद वाले रास्ते में यूजुअली ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और हम घोटावड़े से हर्षी जाने वाले रास्ते पर अब ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि गर्मियां पड़ने लगी है लेकिन सुबह का मौसम अब भी सुहावना है और यही सुहावना मौसम एंजॉय करते हुए इन खाली सड़कों पर हम ड्राइव किए जा रहे हैं। पीछे बैठे बैठे हमारी बिटिया को लग गई है भूख, तो हमने इन वादियों में एक छोटा सा ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है, मैं बिजी हूँ इस व्हील के थ्रू वो पीछे की पहाड़ियाँ शूट करने में। ब्रेकफास्ट करके वी आर बैक ऑन द रोड और इस सुहानी ड्राइव को और भी सुहाना बना रहा है तिकोना फोर्ट का ये व्यू। हम कुछ ही दूर चले थे और एक और ब्रेक की बारी आ गई। एक व्यू पॉइंट से हमें दिखे ये बेहद ही खूबसूरत नजारे। सुबह सुबह इन नज़ारों को देख के मन प्रसन्न हो गया। इन नज़ारों को मन में भर के हम चल पड़े वागेश्वर मंदिर की ओर। गूगल मैप फॉलो करते करते हमने लिया एक राइट टर्न और आ गए इस कच्चे रास्ते पर। पर ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हमें वागेश्वर मंदिर नहीं ले जाता। हमें 3-4 किलोमीटर आगे जाकर शुरिम गाँव से राइट टर्न लेना है, इसलिए हमने यहाँ से लिया यू टर्न। आगे ड्राइव करते करते हमें आना है इस मंदिर तक और उसके बाद करनी है थोड़ी सी ऑफ रोड ड्राइव वागेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए। पवना बैक वाटर्स का व्यू एंजॉय करते करते 10-15 मिनट की ऑफ रोड ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं वागेश्वर मंदिर। और यहां पहुंचते ही हमें पॉजिटिव डिवाइन वाइब्स अनुभव होती हैं।
ये मंदिर एक अति प्राचीन मंदिर है। इसे किसने बनाया ये तो ज्ञात नहीं, लेकिन कहा जाता है कुछ 900 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ के पुजारी ये तक दावा करते हैं कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण हेमाडपंती शैली में किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इनमें न मिट्टी है, न चूना और न कोई अन्य बाइंडिंग मटेरियल। इसके बावजूद इतने सालों बाद भी ये पत्थर एक के ऊपर एक टिके हुए हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। मंदिर की छत भी पत्थर से ही बनी हुई है और उसे सपोर्ट करने के लिए कई स्तंभ बने हुए हैं और इन स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई दिखाई देती है। आज जितना यह मंदिर सुंदर दिखता है उससे कई ज्यादा सुंदर और भव्य यह मंदिर रहा होगा। आज जो भी यहाँ पर बचा हुआ है उससे इसकी प्राचीन भव्यता का अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये भी पत्थर में ही तराशा गया है। यहाँ भी हमको सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमको दिखते हैं कई सारे स्तंभ और इन पे बनी नक्काशी हमें अचंभित कर देती है। यह है मंदिर का सभा मंडप और यहाँ से गुजरते हुए हमें आभास होता है कि हम एक अलग ही युग में पहुंच गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले ये दो गणेश जी की मूर्तियां हमारा स्वागत करती है। यह है वागेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग। 3 महीने जब मंदिर खुलता है तब पुजारी यहाँ पर नित्य पूजा करते हैं। यहाँ गौर से देखोगे तो एक शिवलिंग के अंदर दूसरा शिवलिंग है और यही इस मंदिर की खासियत है। शिवजी के दर्शन करके जब वापस हम सभा मंडप में आते हैं तो अब हमें एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। जाते वक्त हमको दिखाई दे रहा था गर्भगृह, लेकिन आते वक्त हमको दिखता है तीनों तरफ से खुला मंदिर और तीनों तरफ पवना का खलखल करता हुआ पानी। स्तंभों के बीच से जहां से भी देखो पानी का अलग ही नजारा देखने को मिलता है और ये नजारे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं मंदिर का बाहरी हिस्सा। बाहर प्रवेश द्वार के सामने है एक और शिवलिंग और ये बड़े से नंदी महाराज। नंदी की मूर्ति काफी भग्न हो चुकी है और किसी तरह जोड़कर इसे यहाँ पर वापस रखा गया है। नंदी के पीछे है कुछ सीढ़ियां और पानी तक जाने के लिए बना हुआ एक घाट। फिलहाल ये पानी में डूबी हुई है। जब पानी और कम हो जाता है तब ये सारी चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती है। दूर पानी में हमें एक शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पानी में पैर डुबाकर बैठना एक रिफ्रेशिंग अनुभव था और इसलिए हमने ये भी आनंद उठा लिया।
यहाँ की एक और खास बात यह है कि इस मंदिर परिसर में हमको बहुत सारी वीरघर देखने को मिलती है। ये वीरघर वीर पुरुषों के ऐसे छोटे छोटे स्मारक होते हैं जो उनके शौर्य और पराक्रम की याद में बनाए जाते थे। यहाँ पर हमें अनेक तरह के वीरघर देखने को मिलते हैं। कुछ पर सिपाहियों की प्रतिमाएं अंकित है तो कुछ पर शिलालेख। एक ऐसी भी है जिसमें ये बड़ा सा होल बना हुआ है। वीरघड़ों के साथ साथ हमें बहुत सारे पत्थर भी मंदिर परिसर में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इन पत्थरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त मंदिर के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार हुआ करती थी और ये मंदिर कितना भव्य और महत्वपूर्ण रहा होगा। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज भी कोंकण की मुहिम फतेह करके इस मंदिर में शिवजी के सामने नतमस्तक होने के लिए आए थे। ये मंदिर इतना प्राचीन और महत्वपूर्ण होने के बाद भी आज की तारीख में दयनीय स्थिति में है। साल के 9 महीने वो पवना के पानी में ही डूबा हुआ होता है। 1970 में पवना डैम बनकर तैयार हो गया और उसके बैकवाटर्स में कई गांवों के साथ इस मंदिर ने जल समाधि ले ली और इसी जल समाधि के कारण ये मंदिर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। ये हमारी धरोहर है और इसे बचाने के लिए अवश्य प्रयत्न होने चाहिए। तो कैसा लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन, कमेंट्स में हमको जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।